बच्चों, नवोदय विद्यालय के रिजल्ट को लेकर काफी चीजें रेगुलर मार्केट में बाहर आती रहती है। आप देखते होंगे कहीं ना कहीं आप वेबसाइट पे आ जाएगी, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो गया है, इसके ऊपर वो हो गया, ये फलाना ढिमकाना सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जेन्युइन। ठीक है, अब किस तरीके से हो गया, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो और आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपडेट्स अगर आप रेगुलर चाहते हो सही तरीके की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बच्चा 2024 के लिए, 2024 की यहाँ पे 23 लिखा है ना, 24 के लिए जो तैयारी करना चाहते हो वो भी जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बेहतरीन क्लासेस देखने को मिलने वाली है आगे जाके। ये थोड़ा टेक्निकल इशू होता रहता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टर्ब चलता रहता हूँ मैं, क्योंकि कोई टीम नहीं है मेरे पास। बाकी सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पर मेन बात करने वाले बहुत सारी वेबसाइट जो होती है थोड़ा सा फर्जीवाड़ा कर रही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत सही भी डालते हैं वो, क्योंकि सारी जानकारी तो नहीं होती उनके पास, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट वो करते हैं। तो हम तेरे बात करने वाले वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट है उसका नाम तुमने यहाँ पे नहीं लिया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई ये जो एग्ज़ाम का जो नाम था जवाहर नवोदय विद्यालय, भैया तो सभी को पता है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। ठीक है, टाइप ऑफ आर्टिकल क्या है, एडमिशन। भाई एडमिशन के लिए तो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। पोस्ट टॉपिक क्या डाला है, पोस्ट टॉपिक डाला है नवोदय रिजल्ट 2024 2023 है ना, 23 के लिए उन्होंने डाला है, ये भी सही बात है। रिजल्ट अमाउंट क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट डेट के बारे में ये थोड़ी सी बड़ी जानकारी यहाँ पे उन्होंने डाली है कि जून 2023 की बात हो रही है, जून 2023 फर्स्ट वीक की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वीक के बारे में थोड़ी सी हम आगे जाके बात करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर क्या चेंज हो सकता था, टोटल नवोदय विद्यालय कितने 661 है, टोटल सीट्स कितनी है 52,800 है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने, फॉर्म कितने भरे हैं, 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, क्लास छठी की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें 100% श्योर नहीं है, ये तो चलो नेट पे मिल जाएगा, ये सीटें फिक्स होती है, कहीं कहीं पे 40 सीट होती है, वो हम कैलकुलेशन लगा के 50,000 52,000 होती सीट। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड मान सकते हो, ये 25 लाख के आसपास भी जा सकता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, 20 लाख जेन्युइन नहीं लग रहा है, ये थोड़ी सी गलत बात है यहाँ पे। अब जून 2024 23 की बात हो रही है, 24 बार बार माइंड में आ रहा है क्योंकि हम तैयारी उसकी करने वाले ना, तो जून 2023 फर्स्ट वीक की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब फर्स्ट वीक की जगह आप समझ लिया, थर्ड या फोर्थ वीक का ज़्यादा संभावना होती है, अगर यहाँ पे डालता फर्स्ट वीक में आ जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे से जो टेंशन में बैठे रहे, अभिभावक टेंशन में बैठे, क्योंकि वो रिजल्ट पे निर्भर करते हैं भाई हमको आगे क्या करना है, तो वो सब चीज़ें देखने को। लेकिन जहाँ तक लगता है कि 2 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में, तो फर्स्ट वीक तो नहीं लग रहा है मुझे, फोर्थ वीक यानी कि लास्ट वीक बोल सकते हैं, फर्स्ट को लास्ट बना दीजिए, लास्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ कुछ चीज़ें वेबसाइट के थ्रू 100% श्योरिटी नहीं होती है, उन पर विश्वास नहीं कीजिएगा, जेन्युइन चीज़ें देखिएगा। मेन वेबसाइट होती है NVS करके, आप जा सकते हो NVS पे, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति, इस पर जाके आप चेक कर सकते हो, आपको जेन्युइन खबर मिलती रहेगी। और हमारे चैनल पे जुड़ जाइए आप, क्योंकि हम अपडेट्स आपको रेगुलर देते रहेंगे, और 2024 की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।